آداب ناظرین کوشر خبر نام ہے چوز بگاو ہر کچھے توندیس خدمت اس مز حضر تو تفصیلات زان نبرو چن خاص خاص خبرن پر ٹاک نظر افغانستان اس مد خود کش حملن مز فوت سپد میتن ہون تعداد اخت ز اخت پنسا خوت زیاد چوک دیر حمل کرن والن خلاف کاروائی انقریب جو بیڑن जुमा किस मौकस पे दरगाह तो जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज अदा करनस पे पाबंदी इंतजामिया तरफ बंद शायद लोको तरफ मायूसी हुन इजहार रोहमो पुलवामी को लोको चन बापत साफ आब निश महरूम महकमे जल शक्ति खिलाफ लोकन हुन एहतजाज हलाकस में आब व्यथई दूर करने मांग सड़कन हिंद खस्त हाली पे मुख्तलिफ जान लुकन हुंद एहतजाज खस्त लुकन फेरनस थोरनस में मुश्किलात इंतजामिया सड़कन हिंद मरम्मत करने चपी बिजली फीसस में इजाफ करनस पे वली वार गांधरबलस में एहतजाज फीस अदा कर नामुमकिन फैसल वापस निन लुकन हिंद अपील तो पेश खबर तफसील काबुल एयरपोर्टस पे सपद मितन खुदकुश धमाकन मन मरन वालन हूं तदाद अखत वोतमुत यथ मज पंदा अमरीकी फौजी के कह मकामी बच शामिल जन धमाकन मज छोकदर गसन वालन हूं तदाद अखत पंचा खोत ज्याद मज तुरवा अमरीकी फौजी तामिल जख्मी नफरन हिंद इलाज ये अस्पताल मन जारी तत् डाक्टरों मुताबिक कैंसन हिंद हालत तशवीशनाक वन यपर खुदकुश हमल पते एयरपोर्ट आस पास कें कैंसन इलाकन में अलूट जारी कर आमुत जन अमरीका बरतानिया समेत कहिया मुल्को तरफ हमलन हिज मजम्मत कर्म अमरीकी सदर जो बिडन तरफ एमरजेंसी मीटिंग तलब कर पते ये हमल च मजम्मत आई कर तथ बयान जारी कर आमुत यथ मो वो हमल हमल कर वाल खिलाफ ही सही वक्त पे सही कार्रवाई कर बदल हन तुम पाओ चत दाश नौ दहशत गर्द तंजीमी तरफ खुदकुश हमलन हिंद जिम्मेदारी कबूल कर्म जुमा किस मौक पे आई न आज जामिया मस्जिद श्रीनगर तो दरगाह हजरत बलस मज नमाज जुमा अदा कर अत मौक पे इंतजामिया तरफ नमलो वजू खातों कि बंद शायद करम इंतजामिया तरफ दरगाह हजरत बल तो जामिया मस्जिद श्रीनगर अंद पक पाबंदी अद कर दौरान सिक्योरिटी हिंद बंदोबस्त कर आमत इंतजामिया तरफ अद कर आमचन पाबंदियों पे कोर मकामी लोको इंतजामिया खिलाफ मायूसी तो नाराजगी हुंद इजहार जिला तरकियाती कमिश्नर कुलगाम सिंद तरफ आवाज जिला अस्पताल कुलगाम अचानक दौर कर दौरान तमो अबी सहूलत साम हिज अत मौक पे आव अस्पताल इंतजामिया हदायत दिन अस्पताल मजन वाल मरीजन हिंद बापत ग बेहतर तबी सहूलत आय तल थी युथ नम मुश्किल वतरन पेन महकमे दही तरक्की मं इंजीनियर हिंस कमी दूर कर बापत अगर जन हुकूमत तरफ फैसला आव न रिटायर सपद मित इंजीनियर दुबार अपॉइंट कर हुकूमत किस फैसलस पे हवाल लुकन हुंद वन रिटायर सपद मित इंजीनियरों बजाय पज डिग्री याफ्त बेरोजगार इंजीनियर रोजगार फराम यून कर न सिर्फ तम रोजगार मिले बल्कि गन तम जहनी परेशानियों निश दूर जो ऑर्डर आया है जो रूरल डेवलपमेंट का जो इंजीनियरिंग विंग है उनका एक ऑर्डर पास हुआ है कि जो ऑलरेडी काम करते थे वहाँ पे जिनने सर्व किए जो एक्स सर्विस मैन है वो रिटायर भी हो गए तो वो वहाँ पे फिर से इनको अकोमोडेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट ए गुड थिंग आपके पास यूथ है पढ़ी लिखी यूथ है वो यू नो दर बदर होते हैं वो उनके पास जॉब्स नहीं है यहाँ पर एक तरफ से गवर्नमेंट कहती है कि हम यूथ को अकोमोडेट करेंगे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ उनको देंगे उनको गलत कामों में नहीं मुलव्वस होना चाहिए तो ये दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर देम तो मुझे लगता है कि ये एक्स सर्विसमैन को काम देना
बनस्बित मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग हैं, जो वेट कर रहे हैं और भटकते हैं ना, उनको काम देना चाहिए। आप रिसेंटली देख सकते कितनी सुसाइड्स यहाँ पे हो गई है, बहुत सारे यू नो राइज हो गए केसेस में। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस ऑर्डर को यू नो वापस लेना चाहिए और जो पढ़ी लिखी यूथ है उनको अकोमोडेट करना चाहिए। या एक सर्विसमैन तो इनका एज जो 12 तो वो कैपेबल नहीं होता है काम करने के लिए, 60 या जो 55 होता है एज 12, तो उसके आगे उनको पता है कि उनकी कुवत नहीं होती है डिपार्टमेंट में वो काम करने की, वो सलाहियत नहीं होती है। हाँ, दे एक्सपीरियंस होती है उनकी उन काम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पढ़ी लिखी यूथ है कि वो कैपेबल नहीं है। उनको जब मौका नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि इस ऑर्डर को उनको वापस लगाना यू नो करना चाहिए, तो जो यूथ है उनको अकोमोडेट कर। अगर सरकार एक तरफ से ऐलान करती है कि हम यहाँ के यूथ को अकोमोडेट करने हैं, जो पढ़े लिखे यूथ है उनको जॉब्स फराहम करने हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आप उनसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज छीनते हैं जिसके वो लायक होते हैं, जिसके वो हकदार होते हैं। आपने कहा कि जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक इंजीनियरिंग विंग है, उनकी तरफ से एक ऑर्डर पास हुआ है कि वहाँ पर जितने भी जॉब्स हैं, जो वैकेंसीज है, वो एक्स सर्विसमैन और जो रिटायर्ड पर्सन हैं उनके लिए है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि एक एज बार होता है जब सरकार किसी इंसान को रिटायर करती है। अगर इस बार, इससे पहले भी बहुत बार इस बार पर बात चली थी कि रिटायर होने की एज होनी चाहिए, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको कम एज में ही रिटायर कर दिया गया, जब ये कहा गया था कि सरकार की तरफ से जो काम करने वाले बंदे हैं वही जॉब में रहेंगे, जो लगता है कि नाकारा है उनको जॉब से निकालिए। तो एक तरफ से आप एक रूल पास करते हैं, दूसरी तरफ से ये कहते हैं कि आप एक्स सर्विसमैन और रिटायर्ड पर्सन को ये जॉब दीजिए। अक्सर आप देखते हैं कि हमारे श्रीनगर में और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान प्रोटेस्ट करते रहते हैं, जॉब्स की डिमांड करते रहते हैं, जो जॉब्स में ऑलरेडी है वो परमानेंट होने की डिमांड करते हैं, सैलरीज़ को वागुजार करने की डिमांड करते हैं, उनकी सैलरीज एनहांस करने की डिमांड करते हैं। तो पहले हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना है। गुलशनगर बाईपास से नौगाम श्रीनगर में सड़कें हिंज खस्ताहाली हिंज शिकायत बावान वन इलाको लोको सड़क हिंज खस्ताहाली मकामी लूकन फेरनस थोरनस में मुश्किल वेतरन पेवन, तो यदि मकामी सड़क हिंज खस्ताहाली दूर कर अत मरम्मत कर बापत कही आई फिर मकामी आर एन बी कैन हुकाम वन त्याव तहम आई नज तान सड़क हिंज मरम्मत कर। मकामी लूको तरफ इंतजामिया से मांग कर आम सड़क हिंज शेर पर हवाल ग कदम इन तुल युन लुकन बुथ इन वल मुश्किल दूर ग। अगर इस इलाके की हालात आप देखोगे, आप इस सड़कों की हालत देखो, ये तारे देखो, पोल्स देखो, अगर म्यूनसिपलिटी वालों ने यहाँ पर लाइट्स लगाए हैं वो लगाए हैं उन्होंने सिर्फ बागी महताब तक, और इस गुलशनगर को उन्होंने इग्नोर किया है। अलजी गवर्नमेंट से मुझे यही अपील है कि जो हमारी प्रॉब्लम सड़कों की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, पोलों की प्रॉब्लम है और बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो इसमें म्यूनसिपलिटी भी इन्वॉल्व है, इसमें आरएनबी भी इन्वॉल्व है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, मतलब जितने भी महकमे हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। हम अलजी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके वो हमारे ऊपर एक नज़रसानी करें ताकि हमारे मसले हल हो जाएंगे, यही हमारी मुद्दा है, मकसद है। देखिए कितने बड़े बड़े पैचेस जो है सड़कों पर है, और ख़ास तौर पर जो तवज्जो है इस वक्त डिपार्टमेंट के एंड से नहीं फरमाया जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। दूसरी जानब अगर देखा जाए, यही वो रोड है जो बाईपास नेशनल हाईवे पर कनेक्ट होता है नौगाम, सामने हॉस्पिटल भी है, मगर कई प्रॉब्लम्स बिजली पोल्स को लेकर बात करें तो तारे भी खस्त पड़ी हुई है। इनका मानना है कि डिपार्टमेंट के एंड से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं दिखाई दे रही है, बस फरियाद लगा के बैठे हैं कि एलजी सरकार इस पर नजरसानी करे ताकि गुलशन नगर के इलाके में लोगों को राहत पहुंचे। विद कैमरा पर्सन मुदस्सिर के साथ, खान मुदस्सिर के साथ, सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़ कश्मीर। काकसराय जम्पा कदल श्रीनगर के लोको तरफ शिकायत बवान वन आमुत इलाकस मं सड़क हिंज खस्ताहाली मकामी लूकन मुश्किल वेतरन पेवन, तो यदि मकामी सड़क पे मरम्मत हवाल कही आई फिर मुतल हुकाम वन त्याव तहम आई नज तान सड़क हिंज मरम्मत कर। मकामी लूको तरफ इंतजामिया से मांग कर आम सड़क हिंज शेर पर हवाल ग कदम इन तुल। बहु रोजान ये काकसराय ये जनाब ये त्रो यह मेटलिंग जिरत ब्रो त्रो डस्ट तम पोक नुत कह गर चाहिए सारी दुकान मं गर मे गई अति खराब जो नफर से एडमिट अन बिचार पंदह दु सी डी हॉस्पिटल लिहाजा करते मेहरबानी कर मैकडम काफ़ी ये गर्द आसमान खसान दुकान मज आई गर्द अच्छे बनान दुकान मज मे सामान गो सो तबाह सोरे गर मई गर बना करो दुकान बंद क्या सड़क करो बंद मगर करो ये मगर गान कह इसलिए अगर सैन मांग हर तक
सेहत खराब ये तकरीबन जरत पे ये तमाम गलियन त्रोक मैगडम यह थवक यह कर् नजरअंदाज यह गली अवान समझ कम्प्लेंट तरम पेपरन उस टेलीफोन नंबर नेरान ये पे करू सा कम्प्लेंट कम्प्लेंट तरह प्रेत कह चीज मगर कहें नतीजा वर्द वर्द ग खत्म नुकान बंद कर रोहमू पुलवाम क्यों लूको तरफ आज एहतजाजी मुजाहरे कर आमुत या दौरान एहतजाजस में शामिल लूक महकमे जल शक्ति खिलाफ सख्त नारबाजी करान जन सड़कन पे एहतजाज कर वक्त तमाम ट्रैफिक तो मुतासर सपूद एहतजाजस में शामिल लूको तरफ वन आमुत जदवे इलाक मज साफ चन आबच वेई हवाल कही आई फिर हुकाम वन आव ताहम आज तमाम आबच वेई दूर कर आम यम मकामी लूक एहतजाज कर पे मजबूर सपद एहतजाजस में शामिल लूको तरफ इंतजामिया से मांग कर आम इलाक मज लूकन साफ चन आब फराम कर हवाल गन कदम तुल युद्ध लूक दुबार सड़कन पे इन मजबूर सपदन ताम इंतजामिया तरफ यकीन दिन पत सपूद एहतजाज इख्तिताम तो ट्रैफिक सपूद दुबार बहाल नलकों वल थान तथ पर मन ऐसा हड़ताल कर तथ पर आब थान पत् ना आब थान कह चोन दिन थान आब तथ सिर्फ खड़के सिर्फ सफ़ेद कमी आबर क्या सोन तहकीकत करो अस दपा अस दिव अगर अस थो चौ घंटे अब चौ घंटे थो अक दो नामू बनगाम पे पत्म जदह पे अर्दहस मज लाइन सपरेट लाइन तेली मोहल्ल खाद तकरीबन सदह शेख फुट अमित तम सा सपरेट महमद हसन मीर अजन वसात तम सा पत् चलो तथा वर्ष असल आब मगर तमें सात वो तुम रोजव आब अक दो नी बे दो रोजव अब कमी अक दो नी बे दो रोजव मगर सो थो तथ वर्स तत पे वनुक तक चलो नब सो क्या वंदस वो वंदस शु वंदस चलो ना आब रत आब टोटली पत कहें अस वन क्या करो कत गो कतो आब तुम वो सान माजि बन कत पे कतान आब अस वन हरगाम अड पे पे ट्यूबल पे आब अन कहें दिवान आंगनस मज अच्न कहें दिवान गर अच्न कह नलक दिवान अच्न कत गन तो क्या खे गुजारिश आला हुकाम तान ये सान ये मुश्किल कर दपान टंकी लकट यम सा गामस पोचान क्या अतन टंकी बोर्ड यूथ आब पोचान गामस त्रिलोकबल पटन इलाक लूको तरफ जे के पी सी सी खिलाफ एहतजाज कर शिकायत करार वोनमुत इलाक मदवे पांच वरी ब्रो जे के पी सी सी तरफ कदलस पे कम आई शुरू कर जन अर्दहन रतन मज कदल उस मुकम्मल कर ताहम बदकस्मती सान आज तदल नामुकम्मल यम सख्तलिफ इलाक लूकन मुश्किल बुथिवान लूकन हूं मजीद वन जदवे इंतजामिया बार बार अमि हवाल वन तव ताहम आई नज तमाम कदल मुकम्मल कर मैं आकाश आपके सामने थकोलबल पटन से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि लोग यहां के जो बहुत सफ़र हो रहे हैं देखिए यहां पे प्रेगनेंट लेडी होती है या बीमार होते हैं उनको वो बहुत सफ़र कर रहे हैं क्योंकि यहां पे जो है ब्रिज का जो है मसला लोग बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं यहां पे इन्होंने कहा था कि 2017 में हम कम्प्लीट करेंगे लेकिन आज तक ये कम्प्लीट नहीं हुआ तो हम ये इट्स शेमफुल फॉर जे के पी सी सी दैट दे आर नॉट कम्प्लीटिंग दिस टाइप ऑफ क्या देख रहे थे गाँव में बड़े बड़े वो बैक टू विलेज प्रोग्राम उसमें कहा गया कि गाँव जी जी ये बिल्कुल गलत है ये कि बस कहते हैं ये बस मतलब इसका बुनियाद डालते हैं लेकिन बाद में ये काम नहीं करते ये देखो अधूरा रखा है यहाँ पे ये लोग भी बहुत सारे सफर हो रहे हैं ये बस कहते हैं बस स्कीम मिल जाते वो कैसे खुद को खाते हैं यहाँ पे कुछ नहीं लोग जब लोग सफर हो रहे हैं इन्होंने कहा था कि मतलब विलेज में हम तरक्की कर पाएंगे वो डेवलपमेंट है अंशवलाज अगर वो थे अब वो स्वलाज बन जाएंगे लेकिन आप खुद यहाँ की सिचुएशन देख सकते हैं अब आपकी क्या डिमांड है हम को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसके तरफ फौरी तौर एक्शन ली जाए ये जो ब्रिज है इसको कम्प्लीट किया जाए ताकि जो है लोग जो है ये सफर ना हो अम जाना पर बसकंदर मगर पत्म लट तो दिचाओ अप मगर गेल्प कहें सन गबर मतलब बड़ बच्चे बच्चे कौर वजदे वाति कदल बहन योर नवान रिश्ते मिलान तमें मजीद अगर अस मोज बन प्रेगनेंट अच्छा वतन गश्किल अगर सोजान अतन यत कदल आत दाड़ वालस दमो रोपये पांच हथ
مگر ہُپٲرۍ چھِ اَسہِ 6 کِلوٗمیٖٹر أنٛدۍ أنٛدۍ گولَس پھیرُن، اَسہِ چھِ پیٚوان 3,000 رۄپیہِ توٚتَتھ دِنۍ، کیٛازِکہِ اَسہِ چھِ واریاہ تہِ پرٛابلِم گژھان، أسۍ حظ چھِ واریاہ ظُلمَس منٛز. اَسہِ گژھِ مہربٲنی کٔرِتھ بَرایہِ رۄہہِ خۄدا واتنٲیتو حٲکمَن نِش یہِ کَتھ، مگر اَسہِ کٔرۍتو آزاد. أسۍ تہِ حظ چھِنہٕ اَکٕے گام کینٛہہ، أسۍ حظ چھِ 5-6 گام یَتھ پٮ۪ٹھ. أسۍ چھِ زاری مالا، أسۍ چھِ گۄڈنی برٛہِم، أسۍ چھِ ٹیٹی پایِن، أسۍ چھِ ہٲنٛزی نیران، أسۍ چھِ ترٛپَل بَل، أسۍ حظ چھِ جِلَک گٲمٕتۍ. ناظرین، کٲشُر خبر نامہٕ چھُ جٲری، ییٚتٮ۪تھ نِمو اکھ تجٲرتی وقت.